सबसे पहले जो अगरिया नमक पकाने के लिए ऑयल इंजन यूज करता था, तो ये उसके जो रन में जाते थे तो पहले ये मेंटेनेंस खर्च जो आते हैं 15,000 रुपये आते थे, और ये बीच में बार बार ये ऑयल इंजन बिगड़ जाते थे। बस ये देखभाल निकल के लिए दो आदमी चाहिए, एक रात को चाहिए एक दिन को चाहिए। इसलिए सोलर आने से बाद वो पूरा ये प्रोसेस था ऑयल इंजन वाला, वो ख़त्म हो गया। पंद्रह दिन के बाद वो एक ड्रम होता था, वो अभी महीने चलते है, वो महीना में दो ड्रम आता है, वो इसलिए अभी महीने में एक चलता है। वो पहले महीने में दो चलता था, वो 30,000 था, वो आता रहे, वो सोलर ना होता तो अभी 30,000 होते, वो अभी 15,000 में महीना आ जाता है। पूरा स्टैंडर्डाइज करके ये पूरा कंट्रोलर में हम लोगों ने डेवलप किया कि एक एक एचपी का तीन मोटर का लोड ले सके, ऐसे कंट्रोलर डिवाइड के, और वही को चलाने के लिए जो मॉड्यूल सोलर मॉड्यूल यूज़ करते हैं वो भी हम लोगों ने कहीं कहीं मॉडिफिकेशन करवाया है। 72 सेल में, कट सेल में, कहीं कहीं हम लोगों ने 200 वोट में काम किया, कहीं 250 वोट में काम किया, जो अगरिया को हर पाटे पर जो रिक्वायरमेंट है वो ध्यान में रख के पूरा मॉड्यूल का कैलकुलेशन करके हम लोग किए। ये सोलर सिस्टम मिलने की वजह से अभी कच्चे घर पक्के होने लगे हैं, कुछ लोग अभी पूरी फैमिली के साथ माइग्रेशन करके नहीं आते हैं, और वाटर पंपिंग सिस्टम जो डीजल पंप वाली थी उसमें कांस्टेंट किसी को वहाँ पर रहना पड़ता था, क्योंकि अगर पानी ख़त्म हो गया तो आपका पंपिंग सिस्टम जो है वाटर पंप वो टूट जाएगा गर्म होके, और यहाँ पर वो प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए एक इंसान की ज़रूरत भी कम हुई। जब अगरिया का जो 70% ऑयल इंजन चलता था तो उस 70% डीजल में उसका मुनाफा चल जाता था। इस वजह से अभी सोलर आने से अगरिया का एक सीजन में कम से कम 1,00,000 से 1,30,000 का ये फायदा होता है। मकान बनाया हमने। अच्छा। ये बनाया 1,00,000 रुपया का ये बनाया। वो 1,00,000 रुपया का वो बनाया। हम तो पैर थे तुम्हारे जैसे, हम नहीं, हमें गांवड़ा गांव में तो क्या है, नहीं पैरते तो लोग बोलते कि मजदूरी करते तो क्या बस आया, कुछ हो तो नहीं आगे।